नमस्कार, आज हम जानेंगे कि हम घर पर पोषण बाड़ी कैसे लगा सकते हैं। अब हमें साग सब्जियां लेने के लिए बाजार जाने की जरूरत नहीं, हम अपने घर के बाड़े में ही पोषण बाड़ी लगाकर हरी सब्जियां उगा सकते हैं और उन्हें खाकर अपनी सेहत का भी ध्यान रख सकते हैं। पोषण बाड़ी बनाने के लिए जो सामान हमें चाहिए वो सामान्य तौर पर घर पर ही मिल जाता है, जैसे कि कुदाली, फावड़ा, पानी, गोबर की खाद, बल्ली, तार और आवश्यक बीज। सबसे पहले घर के पास खाली पड़ी जमीन पर पानी सींच कर उसे नमी युक्त बना लो। फिर फावड़े या कुदाल से आधा फीट गहरी खुदाई कर लो। अब आपके पास उपलब्ध गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद सामान्य रूप से जमीन पर फैला दो और दो तीन बार फावड़े कुदाली से खुदाई करके खाद को अच्छी तरह से मिट्टी में मिला दो। खाद की मात्रा उपलब्ध भूमि के आकार पर निर्भर करती है और सामान्य तौर पर 10x10 वर्ग फीट की क्यारी में लगभग 20 से 30 किलोग्राम कंपोस्ट खाद पर 10 से 12 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट खाद की आवश्यकता पड़ेगी। और इस तरह छोटी छोटी चार क्यारियां बनाने पर पालक, बैंगन, टमाटर और हरी मिर्ची की पौधरोपण कर सकते हैं या सीधे बीज की बुआई भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा तो यही होगा कि पौधे लेकर या पास में उगाकर क्यारी में रोपित करें। बीच वाली मेड़ में मूली और गाजर के बीज की बुआई कर दो और किनारे वाली मेड़ पर पपीते के 4-6 पौधे लगाओ। और अगर जमीन थोड़ी ज्यादा है तो आम, अमरूद या नींबू के पौधे भी लगा सकते हैं। और उत्पादन और आमदनी बढ़ाने के लिए क्यारियों के किनारे 4-6 लकड़ी की बल्लियां खड़ी करके ऊपरी भाग पर रस्सियां और तार से बड़ा जाल बना लो, जिसमें लता वाली सब्जियों को आसानी से ऊपर फैलाया जा सके। अब मौसम के अनुसार बेल वाली सब्जियों का चयन करके हर एक बल्लियों के किनारे पर सेमी, लौकी, गिलकी, करेला, तोरई, खीरा लगा सकते हैं। और पोषण बाड़ी में अधिक देखभाल की जरूरत भी नहीं होती, बस हर हफ्ते चूल्हे की राख से पत्तों के ऊपर छिड़काव करना है ताकि कीड़ों का आक्रमण ना हो। और बस तैयार हो गई पोषण बाड़ी। घर में पोषण भी आएगा और सब्जी निकलेगी तो सब्जियों को बाजार में बेचकर आमदनी भी हो सकेगी। इसका एक लाभ ये भी होगा कि घर के पास नाली के माध्यम से पानी एकत्रित नहीं होगा। उस पानी को हम पोषण बाड़ी में सिंचाई के पानी की व्यवस्था के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इससे घर के आसपास मच्छर भी पैदा नहीं होंगे। बस एक बात का ध्यान रखना होगा कि साबुन या सोडा युक्त पानी का उपयोग सिंचाई में ना करें। साथ ही घर की बची हुई जूठन का उपयोग और अन्य पदार्थ भी सड़ाकर खाद के रूप में उपयोग किया जा सकता है। कभी भी सब्जियां तोड़कर उपयोग की जा सकती हैं और घर में अचानक मेहमान आ जाएं तो उन्हें पोषण बाड़ी से हरी हरी ताजी ताजी सब्जियां तोड़कर खिलाओ। हम पोषण बाड़ी सरकारी स्कूल, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी और अपने घरों पर उपलब्ध खाली जगह पर लगा सकते हैं, जो हमारे रोज के भोजन को पौष्टिक बनाएगा और हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत भी देगा।